अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ के फ़ैन हैं और द लास्ट समुराई मूवी नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। वेलकम टू फिल्मी वार्ता दोस्तों, आज बात करेंगे द लास्ट समुराई मूवी की। यह मूवी आई थी 2003 में और इसे डायरेक्ट किया है एडवर्ड ज्विक ने। एडवर्ड ज्विक ने इससे पहले ग्लोरी, ब्लड डायमंड और जैक रिचर जैसे बेहतरीन मूवी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। चले बात करते हैं मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में। तो मूवी में हमें चार कैरेक्टर दिखाए गए हैं। पहला कैरेक्टर है नाथन एलग्रन का, यानी कि टॉम क्रूज का। अब एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 19वीं शताब्दी में प्राइवेट कंपनीज भी सेनाएं रख सकती थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी इत्यादि। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि सेना केवल देश का एडमिनिस्ट्रेशन ही रख सकता है। तो नाथन एलग्रन ऐसी ही आर्म्ड फोर्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी में कैप्टन है। वे अल्कोहलिक है और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है जापान के राजा द्वारा कि वो उनकी सेना को आकर ट्रेन करे। राजा चाहते हैं कि उनकी सेना आधुनिक हो और मॉडर्न तरीकों से लड़ना सीखे। इसके लिए वे नाथन एलग्रन को ट्रेन करने के लिए बुलाते हैं। दूसरा करेक्टर है खुद राजा का, यानी कि एम्परर मेजी का। एम्परर मेजी यहाँ के वर्तमान राजा है। तीसरा करेक्टर है ओमुरा का। ओमुरा एक बिजनेसमैन है और राजा के खास सलाहकार हैं। चौथा करेक्टर है समुराई योद्धाओं के हेड का, यानी कि कोत्सुमुरा का। बाद में ये जाके नाथन एलग्रन यानी टॉम क्रूज के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब कहानी में आपको ये देखने को मिलता है कि जापान के जो राजा है मेजी, वे अपने साम्राज्य की सारी चीज़ों का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे खाने पीने का तरीका हो, चाहे पहनने का तरीका हो। वे वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं और वे अपनी सेना को भी मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, और इसके लिए वे अपनी सेना को आधुनिक शस्त्र से सुसज्जित करना चाहते हैं और पुराने तौर तरीकों जैसे तीर, तलवार इत्यादि को अपने सेना से बाहर निकाल देना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के जो पारंपरिक योद्धा है, समुराई है, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती। वे राजा के इस विचार को पसंद नहीं करते और राजा के ही सैनिकों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब नाथन एलग्रन जापानी सैनिकों को ट्रेन करने के लिए आते हैं, फिर उन्हें कुछ दिनों में ही समुराई योद्धाओं का सामना करना पड़ता है। तो समुराई योद्धा उन्हें धूल चटा देते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि समुराई योद्धा जमीन से जुड़े होते हैं। वे अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, अपने राजा के लिए लड़ते हैं और अपनी संस्कृति के लिए लड़ते हैं। वे अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, वे अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हैं। वे आधुनिकता के खिलाफ नहीं होते, वे खिलाफ होते हैं उसके साथ आने वाले अन्याय और अत्याचार के। तो कहानी में इसी चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ दिखाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं मूवी के टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन प्ले कैसा था। स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा था और आपको देखने पर महसूस होगा कि इसमें कितना बारीकी से काम किया गया है। उस समय के कुछ कैरेक्टर को जस कतस उठाया गया है और कुछ कैरेक्टर फिक्शनल हैं, जैसे कि ओमुरा का कैरेक्टर और एम्परर मेजी का कैरेक्टर। ये दोनों सच में 1876 के आसपास वहाँ रहते थे, और कुछ कैरेक्टर जैसे कि नाथन एलग्रन और कुछ कैरेक्टर फिक्शनल हैं। अगर बात की जाए बैकग्राउंड म्यूजिक के, तो बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है। इसमें जापानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। वार ड्रामा मूवीज़ में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा हो तो उसकी रिचनेस काफ़ी बढ़ जाती है, और इस मूवी में भी आपको वही देखने को मिलता है। अगर बात की जाए परफॉर्मेंसेस की, तो सबकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। नाथन एलग्रन यानी कि टॉम क्रूज ने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है। उनके साथ ही कत्सुमोरा का रोल निभाने वाले एक्टर ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। मूवी का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है और ये मूवी में दिखाई भी देता है, जैसे कि उस टाइम के कॉस्ट्यूम, उस टाइम के जैसे वार वेपन्स होते थे, इक्विपमेंट्स होते थे, तोप, बंदूकें, तलवार इत्यादि से लेके सारी चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से काम किया गया है। अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो आपको कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जिस तरीके से कैमरा एंगल का प्रयोग किया गया है वो सच में बहुत सुंदर है। इसमें आपको जापान के बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, वहाँ के जंगल, पहाड़, सच में आपकी आंखों को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। ये मूवी टेक्निकल लेवल पर तो काफ़ी अच्छी है ही, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें एक ऐसा दर्शन है जो आप मूवी देखकर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसे शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। मैं इसे टॉम क्रूज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में काउंट करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने यह मूवी नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिए, और अगर देख लिया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह मूवी कैसी लगी है, और उसके साथ ये भी बताइए कि आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा। आई वॉन्ट टू रेट इट 9 स्टार फ्रॉम माई साइड। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।